वहां पर बोले पूर्व सांसद शरद यादव। कहा, दिल्ली के चुनाव में इन्होंने धार्मिक आधार पर जो गंदगी फैलाई थी और पिछला चुनाव में धार्मिक उन्माद पर जीता है। इनके जितने भी मुद्दे थे दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। अब बिहार और बंगाल के चुनाव में दिल्ली की जीत दोहराई जाएगी। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार में भी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार में भी चले गए, कई सूबे ने जीते, पिछला चुनाव भी इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाया, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान। इस बार इनका मंदिर, ये सारा का सारा जितने इनके कार्ड थे या जितने इनके मुद्दे थे, वो दिल्ली के लोगों ने उनको बहुत नीचे गाड़ दिया। अब ये समझे न समझे, इनकी बोली से, इनकी भाषा से देश में नफरत फैलाने से और नफरत से देश टूटेगा। ये दिल्ली कैपिटल है, राजधानी इस देश की, उसमें प्रबुद्ध लोग हैं। उन्होंने इनका बिल्कुल यानी एक तरह से, ये भले बोले 7 सीट हैं, इनने जिस तरह से जो भाषा इस्तेमाल की यानी देश के गद्दारों को, आपका केजरीवाल मुख्यमंत्री को कह रहे आतंकवादी, शाहीन बाग में करंट पहुंचा रहे हैं, इतने तरह के इन्होंने यानी गंदगी फैलाने का काम किया, उसके नतीजे में जो दिल्ली की जनता है उसने दे बटन इनका झाड़ू से सफाया कर दिया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।